गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर 7, इसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसका अध्ययन हम काफी कई क्लासों में कर चुके हैं, आगे इसका आखिरी पार्ट का अध्ययन करें। ये प्रीवियस जो है नॉलेज, इसके बारे में आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये विषमबाहु और ये सम। देखिए अध्याय 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर एसी की तथा एपी लंब है बीसी खींच कर दर्शाई कि कोण भी बराबर कोण सी है। त्रिभुज दिया गया है ए बी और सी, ठीक। अब इस त्रिभुज में एक बीच में से लंब खींचा है, ठीक, तो ये दो त्रिभुज प्राप्त हुए, त्रिभुज एक और दो। इस एक त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी पी, दूसरे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए सी पी। में दोनों में तुलना करेंगे, ठीक। तो तुलना करेंगे तो कोण ए पी बी, देखिए कोण ए पी और बी, इस कोण की बात हो रही है ना, ये कोण बराबर है ए पी सी के, ठीक, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश का। एपीसी भी लेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक। नेक्स्ट ए बी बराबर ए सी, ये होती भुजा, ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर, फिर ए पी भुजा ए पी के बराबर, यानी ए पी और ए पी दोनों क्या है, ये कॉमन, ठीक, उभयनिष्ठ, ओके, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह देखिए इस प्रकार होता है, दो लाइन और इस प्रकार का एस, ये कहलाता है सर्वांगसम। तो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम, जब दो भुजा, ये भी भुजा है और एक कोण, ठीक, बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो जो कोण बी है, इस कोण की बात हो रही है, कोण सी के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आपको पता है स्टूडेंट कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, इस कोण की बात हो रही है, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक, दिया है, फिर इसलिए कोण ए 90 से बड़ा होगा और कोण सी 90 से ये भी छोटा होगा, अतः कोण ए धन कोण सी बराबर 90 अंश। अतः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कोण बी बड़ा है, इसको कहते हैं इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन चिन्ह इस प्रकार होता है कि कोण बी जो बड़ा है कोण सी से, इसीलिए जो ए सी भुजा है बड़ी होगी ए बी भुजा से, होती है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बड़ा है कोण ए से, तो ए सी जो है बड़ा होगी भुजा बी सी की। अब समीकरण एक, इसको एक माना और ये दो, ठीक, एक और दो को देखते हैं, मिलाते हैं, ए सी बड़ा है ए बी से और ए सी बड़ा है बी सी से। अतः कर्ण, कर्ण मतलब होता है कि जो इस बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण।
इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, अभ्यंतर में ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है। ठीक, अब भुजा लेंगे ए बी बी सी और ए सी। ठीक, ए बी भुजा एक, बी से सी भुजा दूसरी, सी से एक भुजा तीसरी भुजा। ठीक, के लंब समद्विभाजक खींचे गए जो एक दूसरे को बिंदु सी पर कट करते हैं। सारे क्या है, लंब समद्विभाजक। एक बिंदु जो है सी, ठीक, बिंदु सी जो है एबीसी के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है। आप देखिए कुछ चित्र में कि जो कटर बिंदु सी है, सी ए बी और जो है सी से क्या है, बहुत दूर। ठीक, क्वेश्चन नंबर दो, किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब दूर, दूर हो। तो कोण ए बी और सी के समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट करते हैं। ठीक, इसमें कोण ये है ए बी और सी। ठीक है, बी और सी। ठीक, तो ए बी का लंब समद्विभाजक लिया पी, फिर ए सी का लिया क्यू और बी सी का लिया आर। ठीक, एक बिंदु ओ पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो बिंदु O त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं से क्या है, दूर है, दूर है, अतः भुजा OP OQ बराबर OR है। प्रश्न तीसरा, एक बड़े पार्क में लोग तीन बिंदुओं पर केंद्रित हैं। A, A कम है जहां बच्चों के लिए झूले हैं। B, इसके पास मानव निर्मित झील है। जो एक बड़ी पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। ठीक, त्रिभुज में शो कर ले ए बी और सी। ठीक, तीनों को संकेत स्थल ए बी सी से समदूरस्थ होना चाहिए। उत्तर है बिंदुओं ए बी, ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से मिलाना। चलिए ए ये बिंदु को बी से, हाँ बी बिंदु को सी से और सी बिंदु को ए से मिलाना। ठीक, जो एक दूसरे को बिंदु जी पर कट करते हैं। ठीक, ये जो मिड पॉइंट है ये जी, एक दूसरे को कट करने का स्थान। ठीक, बिंदु जी एबीसी से तीनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, दूरी पर है, तथा आइसक्रीम का स्टॉल बिंदु जी पर लगाना चाहिए ताकि वहां लोगों की अधिकतम संख्या पहुंच सके। ठीक, प्रश्न चार, षटभुजी और तारे के आकार की रंगोलियां देखिए। एक सेंटीमीटर भुजा वाले संभाव्य त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए, इसमें कितने अधिक त्रिभुज हैं। ठीक, आप लोग चित्र बनाना है इस प्रकार देख के, ये षटभुज है, देखिए षटभुज मतलब इसकी छह भुजाएं हैं। कितनी भुजा, छह। ठीक, देखिए छह भुजा कौन सी है, यहाँ शुरू करेंगे तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। ठीक, ये होगी छह भुजा। इसी प्रकार ये समबाहु त्रिभुज है, ये वाला समबाहु समान भुजा का त्रिभुज, ये इस टाइप का। ठीक, अब इनके त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो इसमें आप होमवर्क है ये आज का आपका, कि चित्र बनाइए और इनमें जो संख्या है कितने त्रिभुज बने। ठीक, षटभुजी में और संभव। ठीक है, ये गिन के आप बताइए टोटल संख्या होनी चाहिए 150। ये अब तारे के आकार की रंगोली में त्रिभुजों की संख्या इसमें होनी चाहिए 298। आपका बेस्ट होमवर्क है, आप अच्छे से चित्र बनाइएगा अपने प्रैक्टिकल वाले उसमें नोटबुक में और लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।